नमस्कार, मैं हूं अभिंद्र आशुतोष। हेल्थ इज वेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन 24 न्यूज के जरिए आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य में होने वाली गड़बड़ियों की, और सबसे जो अहम सवाल है कि हम कितना फिट रहते हैं, और उस पर ज्यादा बातचीत के लिए आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं कविता नालमा जी, जो फिटनेस एक्सपर्ट है। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अभिंद्र जी, और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ इन 24 न्यूज के लिए आपको। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा चैनल है न्यूज का जहाँ पे हर तरीके की न्यूज, हर जगह की न्यूज मिल जाती है, और मेरा ये बहुत ही फेवरेट इनफैक्ट जगह है जहाँ मुझे सारी न्यूज पढ़ने को मिलती है और देखने को मिलती है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पर बुलाया। थैंक यू सो मच। तो जरूर आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने आप को फिट रखा जाए। सबसे अहम है कि जहाँ हम भाग दौड़ की जिंदगी में रहते हैं, कई बार हमें समय नहीं मिल पाता कि अपने ऊपर ध्यान दे पाए। तो कविता जी, जो अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी वक्त नहीं मिलता है घर के काम से। बहुत सारे ऐसी समस्याएं होती है जिसमें वो पिस के रह जाती है। उन महिलाओं के प्रति क्या आप बताना चाहेंगी जो बहुत ज्यादा बिजी रहती है और फिर भी इजी नहीं हो पाती? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जैसे कि बात अगर हम करें महिलाओं की, तो चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग लेडी हो, किसी के पास वक्त नहीं होता। अगर हम ये सोचे कि वर्किंग लेडी ज्यादा बिजी होती है, हाउसवाइफ ज्यादा बिजी होती है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। क्योंकि मैं दोनों से ही मिलती हूँ, हाउसवाइफ और वर्किंग लेडी से, और दोनों ही बहुत बहुत बिजी रहती है, और 24 घंटे में मुश्किल से उन्हें समय मिलता है अपने लिए। और यही एक वजह होती है, खासतौर से अगर आप वो हाउसवाइफ हैं तो पूरे दिन सारा दिन किचन में काम करना, या ये काम करना वो काम करना, क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी होती है। अगर वो वर्किंग है तो बाहर भी संभालना घर का, वो एक अलग जिम्मेदारी होती है। तो इसका एक खास वजह होती है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। इनफैक्ट आप देखा जाए कि वो अगर घर में है तो किचन में इतना बिजी रहती है कि वो सबको खाना खिला देंगे लेकिन खुद खाना भूल जाती है, राइट। और इस बहुत पूरे पूरे टाइम वो खड़े रहती है, काम करती रहती है। अगर वो ऑफिस में होती है तो वहां का भी एक स्ट्रेस होता है, और ऑफिस का काम संभाल लेती है लेकिन उनको अपने लिए क्या करना है उस बात पर वो ध्यान नहीं दे पाती। तो इसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने लिए थोड़ा समय निकालें। मैं ये समझती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा समय अगर आपको नहीं मिलता है, तो अगर आप अपने लिए 20 मिनट या आधा घंटा अगर अपने लिए निकालते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं अपने लिए, तो यकीन मानिए कि वो समय जो होगा वो आपके सारे दिन के स्ट्रेस को आपको एक तरफ हटा देगा। और एक अच्छी चीज ये भी होगी कि हम काम में ये भूल जाते हैं कि हमें भूख भी लग रही है, हमें खाना भी खाना है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इतनी अच्छे से भूख लगने लगती है कि आप हर चीज को एक तरफ रख के आप सोचते हैं कि नहीं, अब थोड़ा सा खाना खा लिया जाए। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये वक्त होता है जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तो दिमाग में सारी बातें आ जाती है कि नहीं, हमें ठीक से खाना भी खाना है और अपने लिए क्या क्या हफ्ते को काम करना है, अपने लिए आप समय निकाल पाते हैं। अगर हम तनाव की बात करें तो हर कोई आज बहुत ज्यादा परेशान, खासकर मुंबई में या फिर इस तरह के बड़े महानगरों में। अगर तनाव को हम दूर करना चाहें, शायद मान लीजिए हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमें समय नहीं है गार्डन में जाने का या फिर सुबह जॉगिंग करने का, उनके लिए क्या टिप्स होगा? क्योंकि आजकल हर किसी की लाइफ में तनाव बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट तो तनाव को अगर हम सोचे कि अरे नहीं, हम नहीं सोचते तो अपने आप स्ट्रेस दूर हो जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं होता। और उसका सिर्फ एक ही बहुत आसान तरीका ये है कि जब, जैसे कि मैंने कहा कि मैं ज्यादा स्ट्रेस एक्सरसाइज को इसलिए देती हूँ कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से आप फिट होते हैं, आपकी आप अंदर से भी स्वस्थ रहते हैं और आप बाहरी तौर पर भी आप फिट हो जाते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपने लिए समय दे रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए ये चीजें आपके ध्यान में होती है, और वो बाकी जो टेंशन थे वो सारी आप एक तरफ भूल जाते हैं उन्हें। और जब तक आप एक्सरसाइज फिनिश करते हैं, आप थक जाते हैं, आप उसके बाद थोड़ा सा आप रिलैक्स करते हैं, तब तक वो जो टाइम पीरियड होता है वो समय आपका बिल्कुल स्ट्रेस, कहा जाता है कि आप सांस लो तो टेंशन दूर हो जाएगी, राइट, गहरी सांस भरो टेंशन दूर हो जाएगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक अंदरूनी ताकत आप महसूस करते हो अपने अंदर, आपको लगता है कि नहीं, आप लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि आप जब आपकी बॉडी आपकी आपका साथ देती है, फिट रहते, हेल्दी रहते, तो आपको लगता है कि आप हर कुछ कर सकते हैं, सारी कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है आपके लिए। लेकिन वहीं पर अगर आपकी तबीयत थोड़ी खराब है तो आपको हर चीज आपको खराब लगने लगती है। तो यही वजह है कि एक्सरसाइज पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप अपने लिए आप 15 मिनट भी निकाल लेंगे, मैंने आधा घंटा कहा था, 15 मिनट भी अगर आप निकालते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से स्ट्रेस, आपकी लाइफ से थकान, बीमारियां सभी दूर हो जाएंगी। कविता जी की खासियत ये भी है कि ऐसे लोगों को भी टिप्स देती है जो बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते, जैसे ऑफिस में लगातार जो बिजी रहता है, कंप्यूटर से चिपका रहता है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ टिप्स हैं इनके पास। कंप्यूटर पे आज हर कोई, मोबाइल पे आपने देखा होगा, उनके लिए क्या टिप्स हो सकता है कि आप बैठे बैठे भी कुछ कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी अरविंद जी ने कि आजकल ज्यादातर लोग का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो हम चेयर से चिपके रहते हैं। इनफैक्ट तो लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं कि अपनी लाइफ में कैलोरीज गिनते रहते हैं कि चलो हम
चेयर पे बैठे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है हमको, तो हम एक काम करते हैं, हम ये खाना नहीं खाएं, ये कम कर दें, इसको कट डाउन कर दें, ये कैलरी हटा दें, ये फैट नहीं होना चाहिए। तो इसमें पूरा टाइम बिताते रहते कि कितनी कैलरी खा ली, कितना हमको हमने फैट खा लिया, और ये एक अलग स्ट्रेस होता है। ये सब सोचना भी एक तरीके का स्ट्रेस है। तो एक तो आप चेयर से बैठे हुए चिपके हुए हैं, ऊपर से आप खाना आपने कट डाउन कर दिया, ऊपर से ये स्ट्रेस भी झेलते हैं कि कितनी कैलरी खा ली, ये नहीं खाए, वो नहीं खाए, अपने मन को मारते रहते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप इतना सब की जगह आप चेयर पे बैठे, जहां आप चेयर बैठे हैं वहीं पर आप बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइजेस कर ले। और यकीन मानिए अवरिंदर जी, चेयर पे बैठे बैठे बहुत अच्छी वाली एक्सरसाइज जो लोग पार्क में या जिम में जाके करते हैं, वो एक अच्छी वाली एक्सरसाइज कार्डियो और स्ट्रेच आप चेयर पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप बैठे बैठे अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी और अपने आप को फिट भी रख सकते हैं, दोनों ही तरीके से। क्योंकि मैं आपको आज हम बताएंगे लोगों को, जैसे कि आप चेयर की आपने बात करें, तो चेयर बैठे बैठे आप कैसे कार्डियो कर सकते हैं। आपने आपको शायद बहुत हैरानी हो रही हो कि लोग चेयर बैठे बैठे कार्डियो कैसे कर सकते हैं, वो आज हम आपको बताएंगे कैसे कार्डियो कर सकते हैं। तो ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन सबसे जो है सवाल है कि डाइट का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में। अगर हम कुछ खाते हैं जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कब किस तरह से खाना चाहिए, नाश्ता और भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए। कुछ लोग तो सुबह खाते हैं फिर शाम को खाते हैं, कुछ लोग देर रात को खाते हैं, उनके लिए किस तरह से आप सबको समझाना चाहिए। यहाँ पे डाइट पे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ कि लोग हर किसी की बॉडी अपनी चीज बहुत बिल्कुल अलग अलग होती है। कोई कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो ये हम कहना ये नहीं चाहिए कि भाई वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि आप ये खाना खाएंगे तो ज्यादा आपको बॉडी को सूट करेगा, नहीं, आप जैसे लाइफ स्टाइल में जी रहे होते हैं आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है। खाने का भी यही तरीका, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डाइट खाई तो जरूरी नहीं है कि मेरे लिए भी कोई डाइट अच्छी है, राइट। हमारा सबका बॉडी का सिस्टम थोड़ा अलग अलग काम करता है, तो हमारे बॉडी सिस्टम एक ही, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से वो अलग अलग चीजों को के अनुकूल बन जाता है। सिमिलरली अगर मैं कोई डाइट खाऊंगी जरूरी नहीं है कि वो आपको भी डाइट वो सूट करे। तो इससे बेहतर होता है कि हम अपने आपको खाली पेट नहीं रखना है या फिर ज्यादा बहुत सारा नहीं खाना है। आप जो भी आप खाना खाते हैं कोशिश करें कि आप बाहर का जो आपको नहीं पता होता कैसे बनाया गया है उन चीजों को आप थोड़ा सा कम खाएं, कोशिश करें कि ना खाएं। अगर बहुत मजबूरी है तो एक अलग बात होती है कि तब आपने खा लिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो घर का सादा खाना जो होता है वो सबसे बेहतर होता है। और मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि हेल्दी और फिट रहना बहुत आसान है अमरिंदर जी, अगर आप लोग सिर्फ दो चीज को फॉलो करें। एक तो ये कि वो अपने खाने को बिल्कुल सिंपल रखें। सिंपल का मेरा मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल रूखा सूखा या फिर हल्का हल्का नमक मिर्च डाल के खा रहे। सिंपल से मेरा मतलब है कि आप अपना एक होते हैं ना जो घर आपको पता है कि आप क्या खा रहे हैं, इसमें आपने क्या चीज यूज कर रही है खाने में, और ये नहीं कि रोज ही भात खा रहे हैं। सिंपल का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर ना खाएं, जो भी आप खाएं आपकी बॉडी को ताकि लगे हंसी खुशी होकर खाएं। और दूसरा आप अपने लिए थोड़े सिंपल से एक्सरसाइज करें, या फिर बहुत हार्डकोर वर्कआउट करना है, सिंपल एक्सरसाइज करें, रेगुलर करें। अगर आप ये दो चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो हेल्थ और फिटनेस दोनों आपके पास होगी। तो जहां तक डाइट का सवाल है कितना खाना चाहिए, आप उतना खाएं जितना आपकी बॉडी को जरूरत है। और इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं, कई बार हम बहुत स्वाद आता है तो हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, सबके साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो कभी कभी तो ये बिल्कुल चल जाता है, लेकिन हमेशा से आपको ये नहीं करना है। दूसरा ये नहीं कि आपने या तो सुबह खाया है उसके बाद सीधा आप दोपहर में खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा आपको, ये भी नहीं करना है। बीच में थोड़ा सा कुछ खा लेना है। एक और चीज जो चल गई है, रूल चल गया है कि आप 6 टुकड़ों में अपने खाने को खाएं, सुबह खा तो हर 2 घंटे बाद खाएं, या अपने मील को 3 टाइम की जगह 6 बार खाएं, आजकल तो 8 टाइम शुरू हो गया है। तो मैं इस चीज में मैं यकीन नहीं करती हूँ, बिलीव नहीं करती इस चीज में। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अपने खाने को आप जब भी खाएं, आपको जब भूख लग रही तो अपने आप को बहुत ज्यादा आप बोलते हैं ना स्टॉप ना करें, आप बिल्कुल अनशन के तौर पर ना करें उसे। जब भी आपको भूख लगे आप कुछ थोड़ा सा खा लें और रेगुलर खाते रहे। मतलब ये नहीं करें कि आपने आज सुबह खा लिया तो सीधा शाम को करें। और डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। अगर आप बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, भाग दौड़ बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप 2-2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, 4 टाइम खाओ, 6 टाइम खाओ, इस पर डिपेंड नहीं करता। कविता जी एक सवाल ध्यान में आ रहा है कि मुंबई में जिस तरह से आपने कहा कि हर कोई बिजी रहता है, लोकल ट्रेन में जो लोग सफर करते हैं उनके लिए अपना वक्त होता है, वो भी एक एक्सरसाइज है क्या? लोकल ट्रेन से सफर करना मुंबई में, खड़े रहते हैं कि घंटे लटके रहते हैं,
ये बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि देखिए दो चीज में फर्क होता है, एक तो होता है अपने आप को थकाना, एक होता है एक्सरसाइज करना। एक तो जब आप बोलते हैं ना कोई चीज को अपने बॉडी को थका लेती है तो वो आपको नुकसान करती है, जब आप एक्सरसाइज के तौर पर अपने आप को थकाते हैं तो वो आपको फायदा करती है। यानी कि अगर आप बहुत देर तक लोकल ट्रेन में ऐसे खड़े हुए तो वो चीज आपको एक्सरसाइज नहीं दे रही है, वो चीज आपके जॉइंट्स को थकवा बोलते हैं पेन वहां पर आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, तो वो चीज गलत है आपके लिए। तो अगर आप ट्रेन में सफर भी करें तो कोशिश करें अगर आपने एक हाथ से पकड़ रखा है थोड़ा सा जो हैंडल है तो कभी दूसरे हाथ से पकड़ लिया इनफैक्ट, तो इस तरीके से आप डिजिट आउट करिए, कोशिश करें। मुझे जानती हूँ कि हमारे लोकल ट्रेन में इतनी जगह नहीं होती कि आप मूवमेंट कर सकें तो आप इसे एक्सरसाइज के तौर पर बिल्कुल ना गिने कि आप काफी देर तक काफी घंटे तक आपके खड़े हुए तो आपने एक्सरसाइज कर लिया है, क्योंकि काफी घंटे खड़े रहने से भी आपके पैर में दर्द हो जाता है इनफैक्ट, तो इसलिए एक्सरसाइज का बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो बिल्कुल लोकल ट्रेन में तो लोग सफर का मजा लेते हैं, टाइम पास हो जाता है, लेकिन पढ़ाई के दौरान भी कई बार देखा है कि स्टूडेंट जो है घंटों बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनके बारे में क्या, उनको किस तरह से अपने आप को फिट करना चाहिए? जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आजकल देखा जाता है कि बच्चों में भी बहुत कमजोरी एक तो ज्यादा हो गई है, और जो बच्चे कमजोर नहीं है तो वो ओबेसिटी में जाते जा रहे हैं, यानी कि मोटापा बहुत देखा जा रहा है बच्चों में। तो क्योंकि मेरे पास भी एक 5.5 साल की एक बच्ची आती है जो अच्छी खासी बहुत बिल्कुल गोल मटोल सी है, तो पेरेंट्स काफी कंसर्न हो रहे हैं अपने बच्चों की हेल्थ के लिए। तो बच्चों को भी आप ध्यान रखें कि अगर वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो ऐसा ना हो कि बस घंटों एक ही पोजीशन में एक ही पोस्चर में बैठ के पढ़ाई करें। अगर आप कोई भी ऑफिस जाने वाले हैं या आप बैठ के पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं तो आप एक ही देर तक एक पोजीशन ना बैठे, अपने पोस्चर को चेंज करते रहे, कभी थोड़ा सा ऐसे होगा ये ऐसे होगा, थोड़ा सा मूवमेंट अपने आप को देते रहे, स्पेशली यहाँ पेन आ जाता है गर्दन में, तो आप थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा सा ये 2-4 बार आप मूवमेंट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिमिलरली आप काफी देर तक लिखते रहते तो उससे भी शोल्डर पेन आ रहा था, ये कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम करते उससे शोल्डर पेन आ रहा था, तो थोड़ा सा ये मूवमेंट आप देते रहे अपने शोल्डर्स को इस तरीके से, या ऑल्टरनेट या दोनों, ये आपको बहुत जरूरी है करना। सिमिलरली आपने स्पाइन काफी देर तक बैठे रहते तो आप या तो थोड़ा सा कभी से टेका लेके अच्छे से बैठ जाए, या थोड़ा सा आगे बैठे या थोड़ा सा ऐसे हो, ताकि आपके स्पाइन को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट मिलता रहे, वो एक ही पोजीशन में ना रहे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए, थोड़ा सा इधर एक वॉक कर ले, एंड देन अगेन यू सिट एंड जस्ट डू योर वॉक, तो अपने मूवमेंट देते रहिए। सिमिलरली अपने नीज को आपको एक पोजिशन में नहीं रखना, वो भी आप थोड़ा सा इस तरीके से अपने घुटनों को थोड़ा सा मूवमेंट देते रहे, ताकि आप वो जो जॉइंट्स हैं इनफैक्ट उनको थोड़ी सी एक फिजिकल एक्टिविटी मिल जाए इनफैक्ट। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव द मूवमेंट टू योर एंटायर बॉडी मसल्स एंड जॉइंट्स। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि मुंबई में सुबह या शाम को टहलते नजर आते हैं, लेकिन कई बार उनकी जो फिटनेस है उसको लेकर वो असमंजस में रहते हैं कि वाकई फिटनेस क्यों नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। उनको किस तरह से टहलना चाहिए या किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फायदा उनको नहीं महसूस होता? कई लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज तो रोज करते हैं लेकिन हमें उसका फायदा नहीं मिल रहा, उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि अपनी एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए वो आपको नहीं पता होता, आपने सिर्फ देखा होता है और आप उसी को फॉलो करते हैं। पर हर एक्सरसाइज करने का एक तरीका होता है, या तो आप एक सिंपल तरीके से एक्सरसाइज करें, और अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने एक्सरसाइज में तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज किस तरीके से करी गई है। तो सिंस आज हम बात कर रहे थे अपने चेयर वाली एक्सरसाइजेस की, इनफैक्ट ना जो लोग चेयर में बैठे रहते हैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी आप कैसे फिट रह सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि आपको आप नेक के लिए एक्सरसाइज करें इस तरीके से करके, हर थोड़ी देर में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आप ऑफिस में हैं तो, अगर आपने एंटायर डे पूरे दिन में अगर आपने एक बार भी एक्सरसाइज करी तो भी बहुत होता है। अपने शोल्डर्स को एंड इस तरीके से हाथों को एक्सरसाइज दी, देन ऑन दी साइड्स साइड में थोड़ा थोड़ा आप इस तरीके से बेंड हो सकते हैं, या इस तरीके से आप अपने हाथों को लेकर के फॉर योर साइड अपनी साइड की साइड पैड के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिमिलरली आप थोड़ा सा आगे बेंड हो जाए एंड देन आप बेंड एंड आप। और अंगना जी मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप बहुत एक अच्छी सी एक्सरसाइज कार्डियो कर सकते हैं चेयर बैठ के, वो आज हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। अगर आप चेयर पे इस तरीके से बैठे तो आप अपनी अच्छी से टमी को आप कम कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत समस्या होती है लोगों की, पेट भर जाता है, अच्छी बात है। आप उसे टमी को लेकर बहुत सारे पुलिस वाले पत्रकार जो लोग हैं वो परेशान होते हैं जी, बताइए। तो आप अपने पेट को कैसे अंदर कर सकते हैं, आप देखिए आप उसको इस पर बैठे बैठे आप एक्चुअली हाफ सकते हैं, आप इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप उसका बैठे बैठे रनिंग कर सकते हैं अपने पैरों को, ये इसे आप करते रहिए जैसे आपको ठीक लगे, इसको थोड़ा सा पैर को थोड़ा सा आगे किया इस तरीके। आपने देखा होगा जिम में स्टेशनरी बाइक होती है, ठीक है, बैठ के लोग चलाते हैं, वो आप अपनी कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पे थोड़ा सा आगे होके बैठिए, या जितनी देर आप करना चाहें उतनी देर आप कर सकते हैं, तो ये आपको वही इफेक्ट देगा जो आप स्टेशनरी बाइक में देखते हैं।
क्योंकि आप इसमें जितनी भी एनर्जी लगा रहे हैं वो आप अपनी पूरी कोर पोर्शन की और अपनी पैरों की, सिमिलरली आप दोनों पैरों से कर सकते हैं सांस बाहर छोड़ते हुए, ठीक है। तो ये आप बैठे बैठे एब्स कर सकते हैं, अपने एब्स के लिए आप एक्सरसाइज करें। और जो आप लेट के करते हैं आप देख सकते हैं कि इतना करने में मेरे हार्ट रेट बढ़ गया है मेरा, राइट, दैट मीन्स इट्स अ गुड कार्डियो। अपने एब्स के लिए जो लोग लेट के क्रंचेस करते हैं वो आप बैठ के करें, पैर से कर लिए, 1, 2, 4। तो ये आप अपने एब्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सब अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी टमी पूरी तरीके से अंदर हो जाएगी। आप अपने साइड के लिए कर सकते हैं इस तरीके से, फिर आप एक बार ऐसे जाएं, अगर आप ये एक्सरसाइज 15 मिनट कर लेते हैं बैठ करके तो समझिए कि आपकी टमी बिल्कुल अंदर से जाएगी। तो वाकई बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस आपको जागरूक होना पड़ेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जिसको सुनकर आप कहेंगे वाओ। स्वागत है, आप देख रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ। हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट कविता डालवा जी, जो ये बता रही थी कि खाने को लेकर किस तरह से संयमित होना चाहिए इंसान को। लेकिन हर कोई खाने के पीछे पागल होता है, लोग कहते हैं कि हम कमाते हैं खाने के लिए। कविता जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिटनेस पर ध्यान इसलिए नहीं देते, उनको डरा दिया जाता है ये मत खाओ वो मत खाओ, उनको किस तरह से आप समझाएंगे? लोग यूजुअली अपने आप को फिट इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि उनको लगता है कि अरे फिट रहने के लिए हमको ये नहीं खाना पड़ेगा, इतना डाइटिंग करनी पड़ेगी, या जो जो उनको पसंद है उन चीजों को, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो पसंद होती चीजें वो या तो मीठा होता है या जिसमें बहुत सारा तेल पड़ा होता है, तो उन्हें लगता है कि ये चीजें उनको बिल्कुल कट आउट करनी पड़ेगी। तो वो एक दो दिन तो जोश जोश में क्या करते, डाइटिंग कर लेंगे या किसने डाइट लिख के दे दी तो उसे वो फॉलो कर लेंगे। लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ कि अगर आपको लाइफ का आनंद लेना है तो आपको खाना बहुत अच्छे तरीके से खाना चाहिए, स्पेशली जो चीज आपको पसंद है वो तो आप बिल्कुल खाएं। और यही सोचकर मैंने जो ये कॉन्सेप्ट है मैंने तैयार किया कि आप अगर आप रोज नियम से अगर आप आधा घंटा या 35 मिनट या बहुत बहुत 15 मिनट भी अगर आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको इन चीजों से बिल्कुल परहेज नहीं करना पड़ेगा। आप जो पसंद है चीज आपको, अनलेस के अंटिल डॉक्टर ने आपको नहीं कहा हुआ है कि आपको ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, आप अपनी हर पसंद की चीज खाइए लेकिन लिमिट में खाना है। ये नहीं कि आपको बहुत सारा एक साथ आपने खा लिया, मतलब डरने की जरूरत नहीं, आप खा सकते हैं अपनी पसंदीदा चीज, लेकिन थोड़ा सा कविता जी की बातों को ध्यान में रखेंगे तो और मजा आएगा। कविता जी, आप पुलिस वालों को भी ट्रेन करती हैं, बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज हैं, कविता एरोबिक्स के जरिए जानना चाहेंगे कि उसमें क्या खासियत है? ये जो कॉन्सेप्ट की एक्सरसाइजेस हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेस के अंदर है उसमें आप किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, इसे आप बहुत छोटी सी जगह पे आप कर सकते हैं। और जैसे कि जब हम बात कर रहे हैं रेलवे पुलिस वाले हैं और जो जॉब करने वाले एम्प्लॉयज हैं या जो हाउस वाइफ है, आप कहीं पर भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। आपको ऐसे नहीं कि आपको स्पेशली किसी जगह पे जाना है या आपको स्पेशली कुछ पर्टिकुलर ड्रेस पहननी है, ये भी कुछ नहीं है। इसके लिए आपने जो पहना है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप जहाँ कहीं भी आप खड़े हैं आप वहीं पर रहकर उन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। और आप लोग कहते हैं कि हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं फिर भी हम अपनी टमी नहीं कम कर पाते, फिर भी हम अपनी थाइस नहीं कम कर पाते, लेकिन ये एक्सरसाइज आप ऐसी है कि आपको टोटल बॉडी फिटनेस देती है, यानी कि आपकी बहुत ही अच्छी फिजिक आपकी बनती है और उसके साथ साथ आप इंटरनली भी आप फिट होते हैं। ऐसे नहीं कि आप अपने बाहरी फिटनेस आपने हासिल करते लेकिन आप इंटरनली वीक है। इसमें आपको दोनों फायदे होते हैं, आउटर एंड इंटरनल, आउटर फिटनेस एंड इंटरनल फिटनेस आपको दोनों मिलती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कविता एरोबिक्स, इट्स ऑल अबाउट द टोटल बॉडी वर्कआउट, और ये ऐसा वर्कआउट है जिसे आप खूब एंजॉय करके आप कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत अपने पसंद का सारा खाना खाते हैं और अपने हिसाब से इन एक्सरसाइज को करते हैं, जहां आप चाहे वहां इन एक्सरसाइज को करते हैं, जिस समय आप चाहे उस इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने पसंदीदा खाना खाते हुए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें तो लगभग बहुत सारे लोग हैं जो शुगर से परेशान है, बीपी से परेशान है, क्या उनको भी कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप?
बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने बच्ची आपने कि जो शुगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है और डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, ये बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं इनफैक्ट. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहा, साइंस ने कहा है कि आप डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, इसे आप क्योर कर सकते हैं एक्सरसाइज के जरिए. तो आप देखिए कि आपको डॉक्टर भी जब जाते हैं, डॉक्टर भी आप कहता है कि आप जाएं और एक्सरसाइज करें. तो एक्सरसाइज ऐसी चीज है जो आपकी हर बीमारी को आपको, या ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ कंट्रोल करता बल्कि ठीक कर देता है. तो आप ये चीज ध्यान में रख के चले. अगर आपको बहुत ही अच्छा, आपको एक हेल्दी जीवन जीना है, चाहे नो मैटर अगर आपको डायबिटीज भी हो गई या आपको ब्लड प्रेशर भी अगर आपको किसी को है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. अगर आप नियम से आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक स्वस्थ हेल्दी जीवन जी सकते हैं. वो भी आप जैसे चाहे उस तरीके से आप जी सकते हैं. सिर्फ आपको अपने लिए आधा पौना घंटा इच्छा शक्ति और आधा पौना घंटा मायने रखती है. और अगर आप चाहते हैं कि मुझे खूबसूरत बनना है तो आप मेकअप करते हैं, मेकअप करती भी हैं, लेकिन अगर आपको फिट रहना है तो थोड़ी बहुत बात माननी पड़ेगी कविता जी की, क्योंकि जान है तो जान है, इसीलिए कहा गया हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ को लेकर बहुत सारी दुर्भावनाएं भी हैं, लोग नजर भी लगाने की बात करते हैं कि तेरा बच्चा मोटा हो जाए, इस तरह की जो बातें होती हैं, तो उनको उनके मन में किस तरह से हम डालें कि भाई सब गलत बात है. ऐसा कुछ भी नहीं होता बिल्कुल. मैंने कहा कि अगर मैं चीज को बहुत सिंपल बना के एक मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ कि अगर आप, हम सब इंसान है, इंसान की बॉडी ऊपर नीचे होती रहती है, यानी कि हम लोग एक लिविंग बीइंग है. हम लोग तो ग्रो हम लोग करते, या तो हम पतले होते या हम मोटे होते, हमारे बॉडी में चेंजेस आते जाते हैं. तो एक ही सिर्फ सभी का एक उपाय है, वो है नियम से आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी हर दिन का एक रूटीन बना लीजिए. आप कि आपने ये मीटिंग वो मीटिंग, या आपको ये पढ़ना उपना, जो भी आप अपना रूटीन बना रहे हैं उसमें आप 24 घंटे आपके पास होते हैं. उन 24 घंटे में से अगर आप अपने लिए आधा घंटा पौना घंटा आप एक्सरसाइज के लिए रख देते हैं, तो आप यकीन मानिए ये एक ऐसा मंत्र है जिससे कि आप एक बहुत ही स्वस्थ खुशी भरा जीवन आप जी सकते हैं. तो आपको कोई किसी तरह के डरने की जरूरत नहीं. अलग अलग धारणाएं सुनने को मिलती है, इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है. और अविश्वास जो है वो बहुत शार्प है एक तरह से. बेड पर भी लोग जाके तनाव में रहते हैं, बेड पर जाने के बाद लोगों को रिलैक्स होना चाहिए, उनको भी कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए क्या अगर बहुत बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है तो बेड पर सोने से पहले? हाँ, मैंने कहा ना कि आपको ये सब डिपेंड करता है कि अपने लिए आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं. अगर आप अपने आप से सच में प्यार करते हैं, पर मेरे ख्याल में हर कोई अपने आप से बहुत प्यार करता है. और जब आप कोई वर्कआउट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो यूजली जो आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं. लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, तो वो आप अपने लिए करते हैं और इनडायरेक्टली अपने परिवार के लिए करते हैं. क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने परिवार की ज्यादा अच्छे से देखभाल कर पाएंगे. तो आपको सिर्फ हर चीज को एक तरफ रख के आपको सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखना है. सबसे आसान तरीका है अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, वो है आधा घंटा या पौना घंटा अपने लिए एक्सरसाइज करना, जितना भी वक्त मिलता है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आप स्वस्थ रह सकते हैं, बस सोच बदलनी है. कविता जी, आपने जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर फिटनेस को लेकर आप संजीदे हैं, तो आप जान सकते हैं कि वाकई आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं. विकल्प की तलाश कीजिए और आप उदास मत रहिए, आप फिट हो सकते हैं. आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही. नमस्कार.